Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए अब हम लोग अपनी हिंदी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पार्ट पांच से अपना शुरू किया था, पार्ट पांच था जो हमारा सूरज और बादल, है ना। कल हम लोग ने अपने पार्ट को पढ़ा था, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि सूरज और बादल थे जो आपस में झगड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। दोनों अपने अपने घमंड में थे, तो धरती ने आकर उनको क्या कहा था, धरती ने आकर कहा था कि आप दोनों ही बड़े हो क्योंकि हमें आप दोनों की ही ज़रूरत है। ऐसा कुछ हमारे पार्ट में था ना, सबने रीडिंग करी थी पार्ट की, घर पे करी होगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग जो उससे वर्क मैंने आपको पार्ट करा दिया था और कुछ वर्क भी मैंने आपको करा दिया था, अब हम उसके आगे का वर्क देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को कल जो भी यहाँ पे कराया था कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्द हमने बताया थे कि एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। और दूसरे अर्थ में बच्चों आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इसको विलोम शब्द भी कहते हैं, है ना। तो कल हम लोगों ने मैंने ये कहा दिया था आप लोगों को कि इसको आप लोग रीड करके रखिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग रीड करने के बाद उसके आगे का आओ करें फोर से हम अपना शुरुआत करते हैं कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को का सही मिलान कीजिए। यानी यहाँ पे शब्द देखिए, यहाँ पे उल्टे, इनको हमको क्या कराना है, मिलान करना है। जैसे क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दिया था कि आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा, तो इससे क्या होगा, आसानी से आप इस वर्क को कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, आना का क्या हो जाएगा, आना और जाना, बाहर और अंदर, हार और जीत, पीछे और आगे, ऊपर नीचे। ये तो ये क्या हो गए, उल्टे अर्थ वाले शब्द। क्या बोलेंगे इनको हम, उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना। और अब हमारा यहाँ से भाषा की पहचान पेज नंबर 66, यहाँ से हमारा व्याकरण का सेक्शन स्टार्ट होता है, भाषा की पहचान, जिसमें दिया गया नाम वाले शब्द। तो आप लोगों ने याद आया नाम वाले शब्द कि जिस भी चीज का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द कहते हैं। तो क्या होते हैं नाम वाले शब्द, वे शब्द जो किसी का नाम होते हैं, नाम वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। जिस किसी का भी नाम, जिसको हम नामों से जानते हैं पहचानते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाम वाले शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, तो आप लोगों को याद हो गया होगा, जैसे कि नाम वाले शब्द में क्या क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जानवर का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये सारे क्या होते हैं, जिनको हम नामों से जान रहे थे वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाम वाले शब्द। तो उसी से रिलेटेड हमारा देखिए आओ करे फाइव दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है आओ करे फाइव में, कि सूरज और बादल पार्ट में से 10 नाम वाले शब्द छाट कर कॉपी में लिखिए। तो जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा था उसमें कौन कौन से, अब आप लोगों को ये वर्क मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोग होमवर्क करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। जब आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, पहले आप अपने आप होमवर्क करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जब आप पार्ट को रीड करोगे तो उसमें जो नाम वाले शब्द, जैसे एग्जाम्पल मैं बता देती, क्या क्या आया नाम वाले शब्द, सूरज हमारा क्या हो गया, नाम वाला शब्द हो गया, ठीक। बादल क्या हो गया, हमारा नाम वाला शब्द, क्योंकि इसको हम नामों से जान रहे हैं। उसके बाद क्या आया था, नदी आई थी, तालाब आया था, भैंस आई, ऐसे कुछ वर्ड आए थे तो हमारे क्या हो गए, नाम वाले शब्द। उसी तरह से आप उस चैप्टर से खोज के नाम वाले शब्द को अपनी कॉपी में, 10 नाम वाले शब्द अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आओ करें सिक्स, इसमें क्या दिया है, अपने बस्ती में मौजूद 4 नाम वाले शब्दों के चित्र बना के उनके नाम लिखे। यानी आप अपने बैग में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लेकर जाते हो, उनके यहाँ पे चित्र बनाना है। जो स्कूल बैग रहता है ना आपका, सबसे पहले स्कूल बैग, वो भी एक नाम है क्योंकि उसको बैग कह रहे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नाम वाली हैं, उनको यहाँ, उनका यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। यहाँ पे आपको उसका क्या करना है, चित्र बनाना है। जैसे क्या क्या रखते हैं आप उसमें, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ रखते हैं ना, जो भी आप सोचिए आप अपने बैग के अंदर क्या रखते हैं, उसका यहाँ पे आप पिक्चर बनाओगे, वो करेंगे आप करें सिक्स पे। आपको ये वाला काम बुक में ही कर लेना है, ठीक। उसके बाद है, पूछा है कहानी क्या, तो उससे हम कहानी सूरज और बादल से आपको क्या सीखने को मिला, है ना। तो क्या है, सूरज और बादल से हमें क्या सीखने को मिला, जब हमने ये कहानी पढ़ी तो हमें क्या सीखने को मिला,
क्या सीखने को मिला, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई क्वालिटीज होती है, तो हमें हर किसी की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना। ऐसा था कि जैसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम ही अच्छे नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है और सबको उन अच्छाइयों से हमें सीखना चाहिए। तो यही हमने क्या सीखा, कहानी सूरज और बादल में हमें ये सीखने को मिला। अब है बादल और सूरज में से आपको कौन अच्छा लगा और क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज और बादल में से आपको कौन अच्छा लगा और क्यों। हमें तो दोनों ही अच्छे लगे, क्योंकि हमें सूरज की भी जरूरत है और बादल की भी अच्छी जरूरत है, बादल की भी जरूरत है, बारिश की भी जरूरत, बारिश भी अच्छी लगती है, धूप भी अच्छी लगती है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, है ना। उसके बाद है आओ करें सेवन, इसमें है सोचो और लिखो। देखिए यहाँ पे क्या बना, दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए, देखिए पेज नंबर 68 पे, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि इनमें क्या अंतर है। इनमें हमें चित्र देखने, ध्यान से देखिए चित्र और उसमें अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे कि इनमें क्या अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है। देखिए चित्र देखने से ही पता चल रहा है कि ये सवेरा हो रहा है, सुबह हो रही है, रोशनी चारों तरफ, रोशनी फैल गई है, सूरज की किरणें चारों तरफ फैल गई हैं। बच्चा देखिए सो के उठ रहा है, सुबह हम लोग उठते हैं सो के, और डैडी या अंकल जो है वो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई शॉपिंग पे जा रहा है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सुबह उठ के कहाँ जाते हैं बच्चे, तैयार होकर स्कूल को निकलते हैं, और चिड़िया चहक रही है, चिड़िया दिख रही है ना, सुबह का दिख रहा है। इसमें क्या अंतर दिख रहा है, ये सुबह का है ठीक, और ये क्या देखिए अंधेरा है, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो ये कब निकलते हैं, रात में। ये किसका चित्र हो गया, रात का। बच्चा देखिए सो रहा, रात में लोग क्या करते हैं, सोते हैं, अंकल भी सो रहे हैं, और बच्चे देखो चांद और तारे देख रहे हैं, है ना। तो क्या अंतर है इसमें, ये सुबह का है और ये शाम का है। उसके बाद आओ जुड़े, सोचिए और बताइए वातावरण कैसा हो जाता है जब सूरज उगता है, जब बादल छाते हैं। दोनों समय के बारे में सोचते हुए अभ्यास पुस्तक में दिए गए स्थान पर चित्र बनाएं, यानी आपकी प्रैक्टिस बुक में एक वर्क दिया है, इससे रिलेटेड वर्क वहाँ पे करना है। यानी हमको क्या करना है, जब सूरज उगता है तो क्या क्या होता है, जब सूरज उगता है तो सूरज निकलते हुए पिक्चर बना दीजिए, चारों तरफ उसकी किरणें फैलती हैं, चिड़िया उड़ती हैं ना, और क्या क्या होता है, चिड़िया चहकने लगती हैं, मौसम धूप तेज हो जाती है, तो ऐसा सोच सोच के। बादल आते हैं तो क्या होता है, जब बादल छाते हैं अंधेरा हो जाता है, बारिश आने की संभावना हो जाती है। इसी तरह से आप सोच के इनका चित्र आपके प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 18 में, देखिए पेज नंबर 18 में ये दिया है। यहाँ पे वातावरण कैसा हो जाता है, जब सूरज उगता है, जब बादल छाते, देखिए क्या हो जाता है, सूरज के पिक्चर बना दीजिए, चिड़िया के पिक्चर बना दीजिए, बच्चे बना दीजिए खेलते हुए, इस तरह से आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स बनानी है सोच करके, ठीक है। और इसमें क्या दिया, हमें ख्याल है, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाने के कारण ही गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश भी पहले से कम होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर इस परेशानी से बच सकते हैं। तो देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, बरसात भी ठीक से नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि पेड़ पौधों का ज़्यादा कटान होने लग गया है। तो हमें क्या बताया गया है कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जैसे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। और ये हो गया हमारा बुक का काम, अब हम अपना प्रैक्टिस बुक का देख लेते हैं। प्रैक्टिस बुक में क्या है, चलिए बच्चों अब हम लोग प्रैक्टिस बुक का वर्क देख लेते हैं। मेरी बारी एक, उसमें दिया है दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे, जैसे हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़े। अब यहाँ पे दिया है कि क्या हो जाएगा, अब आप हमको आ गया होगा ना, तो चलिए हम इस वर्क को करते हैं। जैसे सर्दी का क्या हो जाएगा, सर्दी का उल्टा क्या हो जाएगा, गर्मी। तो क्या लिखेंगे पहले पे, गर्मी। अब दूसरा है आगे का पीछे, ऊपर का ऊपर नीचे, और फिर क्या अंधेरा उजाला, फिर भारी का क्या हो जाएगा, हल्का। क्या लिखेंगे, हल्का। उसके बाद अंदर का बाहर, अंदर बाहर, अंदर का उल्टा क्या हो जाएगा।
उसके बाद स्वर्ग का नर, स्वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? नर। अच्छा का बुरा, अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? बुरा। तो ये हमारा मेरी बारी वन, इस तरह से आप इसको करेंगे। जिस जिसको आ रहा है वो फटाफट जल्दी जल्दी अपना वर्क कर भी ले, है ना, जिसको नहीं आ रहा है तो फिर वो देख के इसको कर लेगा, इससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद है मेरी बारी टू। अब देखिए दिए गए नाम वाले शब्दों से वाक्य बनाकर कॉपी में लिखिए। इस वाले काम को आपको कॉपी में लिखना है कि ये जो दिए गए सभी शब्द जगहों के नाम हैं, यानी जो दिए गए शब्द क्या जगहों के नाम में आते हैं ना ये सारे शब्द, तो ये भी नाम वाले शब्द हैं, क्योंकि ये रसोई घर, गुजरात, बगीचा, भारत, विद्यालय, छत, ये किस में आते हैं? स्थानों में आते हैं ना। तो ये क्या हो गए? नाम वाले शब्द हो गए। इसमें क्या करना है आपको कि वाक्य बनाना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, फिर उसी की तरह आप कोशिश करिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा वाक्य बनाने की, नहीं बनेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि भारत क्या है, देखिए मैं एक तो भारत का हम क्या वाक्य बना लेंगे, हमारे देश का नाम भारत है, क्या बन जाएगा हमारा? जैसे हमको यहाँ पे बनाना है भारत, ठीक, इसका हमको क्या करना है? वाक्य बनाना है, ठीक। हम क्या लिखेंगे? हमारे देश का नाम भारत है। तो वाक्य बनाने में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ड है ना वो वर्ड हमारे इस वाक्य में आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? वाक्य बन गया, बन गया। उसके बाद जैसे है बगीचा, क्या दिया है? दूसरा है बगीचा। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे बगीचा है तो हमारे घर के पास सुंदर बगीचा है, ठीक। इस तरह से आप वाक्य को बना लेंगे। इसी तरह से आप सारे वाक्य को बनाने के पहले अपने आप कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग को कोशिश करिएगा, जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। अब है सोचो और लिखो। इसमें दिया मेरी बारी थी, इस वर्क को भी आपको कॉपी में करना है। मेरी बारी थी प्रैक्टिस बुक का ही काम है ये, लेकिन इसको क्या दिया है? दिए गए प्रश्न के उत्तर कॉपी में लिखिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मेरी बारी थी। मेरी बारी थी में क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। ये वाले प्रश्नों के उत्तर भी आपको कॉपी में लिखना है। जैसे पूछा है, पहला प्रश्न है कि सूरज के आने से क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है सूरज के आने से? सूरज के आने से सुबह हो जाती है। सबसे पहले सूरज के आने से क्या होता है? रात चली जाती है और सुबह आ जाती है। सुबह हो जाती है, धूप हो जाती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, पापा ऑफिस जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले का आंसर कि सूरज के आने पे आने से क्या क्या होता है? सूरज के आने से क्या क्या होता है? सूरज के आने से सुबह हो जाती है, धूप आ जाती है, गर्मी लगने लगती है, लोग घरों में छिप जाते हैं, पापा लोग ऑफिस जाते हैं और बच्चे तैयार होके विद्यालय जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब है बादलों के आने से क्या क्या होता है। अब देखिए बादलों के आने से क्या क्या होता है? आसमान काला हो जाता है। जब बादल आते हैं तो क्या होता है? आसमान काला हो जाता है, तेज हवा चलती है, आंधी भी आती है और बिजली चमकती है और बारिश होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा कि बादलों के आने से क्या क्या होता है। बादल के आने से आसमान काला हो जाता है, बिजली चमकती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है आपको सुबह शाम में कौन सा समय पसंद है और क्यों। अब बच्चों ये आपको आंसर करना है कि आपको सुबह का टाइम अच्छा लगता है कि शाम का टाइम अच्छा लग रहा है, इसके बारे में, और क्यों अच्छा लगता है इसके बारे में आप अपनी कॉपी में लिखोगे। और इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, ये वाला वाक्य बनाना, इसका भी आप अपनी कॉपी में करोगे। ये दोनों वर्क आपको कॉपी में करना है। अब लास्ट में देखिए ये वाला आ गया ना, जो अभी हमने पूछा था कि चिट्ठी देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे था हमारे वर्क में बोला था कि वातावरण कैसा जाता है जब सूरज आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पिक्चर्स बनाएंगे, सुबह सवेरे होने की पिक्चर्स बनाएंगे। और यहाँ पे बादल जब आता है, बारिश घनघोर काला बादल हो जाता है, बारिश आने की संभावना, उस तरह की पिक्चर बना के क्या लिखा है, चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे।
यहाँ ये आपकी एक्टिविटीज है, इसमें चित्र बना के आपको रंग भरना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 5 था सूरज और बादल, जिससे हमने इसको रीड पढ़ भी लिया और इससे जुड़े वर्क भी कर लिए कंप्लीट, ठीक है। तो समझ में आया आप सबको ये चैप्टर? ओके।